कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए दुनिया भर में लोग सतर्क हो चुके हैं। कई देशों ने यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को ही अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा था, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन को डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इस वेरिएंट का सबसे पहला मामला अफ्रीका में पाया गया था, जिसके बाद से सभी देश सतर्क हो चुके हैं। वहीं WHO ने भी उपलब्ध डेटा के आधार पर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। खबरों की माने तो इस वेरिएंट में बहुत ज्यादा म्यूटेशन है, खास तौर से इसके स्पाइक प्रोटीन में, और इसीलिए WHO सभी से दोनों वैक्सीन की डोज लेने की अपील भी कर रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि पूरे दुनिया भर में ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। दहशत का माहौल पूरी दुनिया में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 12 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो मिल चुका है। और पूरी दुनिया की बात की जाए तो 200 से ज्यादा मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में अभी ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं आया है। तो चलिए, डॉक्टर रंजन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ओमिक्रॉन को लेकर थोड़ी और जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। डॉक्टर रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। नमस्कार डॉक्टर रंजन। देखिए, लगातार ओमिक्रॉन को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, WHO भी नई नई चीजें हर रोजाना बता रहा है, तो किस तरह से, क्योंकि देखिए अगर भारत की बात की जाए, बेशक मामला एक भी सामने ना आया हो, लेकिन लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये वेरियंट है क्या, किस तरह से ये काम करता है, कितनी तेजी से ये फैलता है। तो मैं चाहूंगी कि आसान शब्दों में आप समझाएं। देखिए, ओमिक्रॉन वायरस जो है कोविड का, इसमें काफी म्यूटेशन होते हैं, तो और ये बाकी जो पहले डेल्टा वेरिएंट थे उनसे भी ज्यादा अग्रेसिव है, तो उनसे ज्यादा इन्फेक्शन करने की संभावना है इसका, और लोगों पे इम्पैक्ट काफी ज्यादा कर सकता है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। अच्छी चीज ये है कि अभी तक ये भारत में आया नहीं है, अगर इसलिए अभी एयरपोर्ट पे ऑलरेडी सारी स्क्रीनिंग की जा रही है, सरकार पूरी तैयारी कर रही है, फिर उसके बावजूद भी लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है और अपने मास्क का प्रयोग करते रहें, जो भीड़ भाड़ इलाकों पे ना जाएं, क्योंकि कोई आ सकता है तो कई बार बाद में रियलाइज पता चलता है कि वो उसमें ओमिक्रॉन के वायरस निकले हैं या नया वायरस जो आया है। कोविड अभी भी नॉर्थ जो कोविड था, अभी भी कुछ केसेस कहीं कहीं निकल रहे हैं, तो सतर्कता सारे लोगों को पूरी तरह से लेने की जरूरत है, और भारत की हेल्थ टीम और सरकार पूरी तरह से तैयार है लेके जाने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, देखिए लगातार हम आपसे ओमिक्रॉन को लेकर जानकारी लेते रहते हैं, तो आपने ये बताया था पहले कि ओमिक्रॉन जो है, जिन लोगों को पहले से किसी तरह की बीमारी है, किडनी हो गया या और तरह की कुछ बीमारी है, तो उनको संक्रमित कर सकता है, लेकिन जानकारी अब ये भी मिल रही है कि जो पहले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उन्हें इस बार ज्यादा खतरा है। बिल्कुल, हो सकता है उनको दोबारा से भी हो सकता है, और कई सारे ऐसे भी कुछ केसेस हमें ऐसे भी देखने को मिले थे जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगवाई थी उसके बाद भी कोविड हुआ था, क्योंकि कोविड वैक्सीन से करीब 80% ही मतलब सुरक्षा मिल रही है, भी सक्सेसफुल जो रेट है उसका 80-85% है, तो 15% लोगों में स्टिल उनका खतरा बना रहता है कि फिर से रीइंफेक्ट होने का, तो उन लोगों को ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। अगर ये भारत में आ जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि अगर ये भारत में आएगा तो काफी तेजी से फैलने की उम्मीद हो सकती है। जी बिल्कुल डॉक्टर रंजन, और देखिए WHO भी हर रोजाना इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जानकारी दे रहा है, गाइडलाइंस निकाल रहा है, तो ऐसे में WHO की तरफ से ये कहा गया है कि 60 साल से ऊपर के उम्र वाले जो लोग हैं वो कहीं ट्रैवल ना करें, यानी कि इस बार भी ये कहा जा सकता है कि जो बुजुर्ग हैं उन पर खतरा ज्यादा हो सकता है इस वेरिएंट का। बिल्कुल, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी थोड़ी कम हो जाती है, कई तरह की बीमारियों, ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी की बीमारियां, लिवर की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, इनसे ग्रसित भी होते रहते हैं, तो उनमें ये खतरा बढ़ने की उम्मीद ज्यादा रहती है, इसलिए उनको ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, और एक चीज और यहाँ पर जानने की कोशिश करूंगी मैं कि टेस्टिंग किट को लेकर अगर बात की जाए तो क्या हमारे देश में जो टेस्टिंग किट है वो इतनी मतलब सही है कि उसमें ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो पाया जा सकता है, कि पता चल सकता है कि कोई संक्रमित है या नहीं, क्योंकि देखिए दक्षिण अफ्रीका या फिर कई देश जहां पर इस वेरिएंट के लोग संक्रमित हैं वहां से भारत में बहुत सारी संख्या में लोग आ चुके हैं और सभी के सभी कोरोना पॉजिटिव हैं, हालांकि किसी की पुष्टि नहीं हुई है कि ओमिक्रॉन ही
वेरिएंट उनमें पाया गया है, लेकिन क्या टेस्टिंग किट हमारी उस हिसाब से है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को वो पकड़ सके? ये तो सभी के सभी नहीं है, कोरोना से संक्रमित कुछ लोग ही हुए हैं और उसके लिए उनकी फर्दर जेनोमिंग सिक्वेंस की जा रही है और ये जेनोमिंग सिक्वेंस ऐसे कहीं कहीं ही है, लेकिन इससे ही पता चलेगा कि उसमें वेरिएंट है या नहीं है। जी। तो कुछ कुछ जगहों पे सरकार कोशिश कर रही है कि जेनोमिंग सीक्वेंस जहाँ जहाँ होते हैं उनकी जगह बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि उसके वेरिएंट का पता लगाया जा सके। जी बिल्कुल डॉक्टर रंजन, और एक चीज यहाँ पर और जानना चाहूंगी कि देखिए अगर पॉल्यूशन की बात कर ली जाए और अब जैसे ठंड भी बढ़ती जाएगी, दिसंबर का महीना आ चुका है, ठंड में वैसे ही और तरह की बीमारियां होती हैं, स्कूल बच्चों के खुल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा वो हो सकता है कि बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, सर्दियों का मौसम है और ओमिक्रॉन का भी खतरा लगातार बना हुआ है। अभी जैसे इंडिया में अभी तक निकल के तो नहीं आए हैं, तो अगर जैसे ही कुछ निकल के आता है डेफिनेटली सरकार कुछ एडवाइजरी जारी करेगी। अभी तो एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग काफी मतलब तेज हो रही है और स्क्रीनिंग किया जा रहा है, अगर कुछ भी केसेस निकल के आते हैं तो सरकार डेफिनेटली फर्दर एडवाइजरी जारी करेगी स्कूल के लिए, बच्चों का स्कूल को हो सकता है बंद भी करना पड़ेगा, पर फिलहाल तो ऐसा अभी तक इंडिया में कुछ ऐसा नहीं है। तो मेन है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहें, तैयारियां अपनी पूरी रखें और परेशान उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान ना हो। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, बस ये आखिरी सवाल, देखिए जिस तरह से अभी आपने कहा कि हमारी सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी हो जाएगी अगर कोई भी मामला ओमिक्रॉन का सामने आता है तो भारत में, लेकिन अगर देखिए ओमिक्रॉन कितनी तेजी से फैलता है ये हर किसी को पता है, कितना ज्यादा खतरनाक है ये भी सबको पता है, लेकिन अगर मान लीजिए भारत में एक भी केस आ गया तो कितने कैसे हालात हो सकते हैं ये किसी से छिपे नहीं है, क्योंकि सेकेंड वेव में ये हम सभी ने देख लिया है। जी बिल्कुल, अगर ये भारत में आएगा तो बहुत तेजी से, जितनी पॉपुलेशन है और जिस तरह से हमारे लोग मतलब जितनी भीड़ इकट्ठी रहती है, चाहे वो खरीदारी करने जाएं या शॉपिंग मॉल्स जाएं या कहीं, तो उस तरह उसको देखते हुए सतर्क तो जरूर रहने की जरूरत है और नजर रखनी है हमें, हम और सरकार को, कि अगर ये भारत में आता है तो कैसे लोगों की एडवाइजरी जारी करें, और हेल्थ सिस्टम भी सारे हॉस्पिटल्स पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, डॉक्टर्स लोग प्रिपेयर्ड है, अगर कुछ ऐसा होता है तो सब लोग मिलके उसका सामना करने को तैयार हैं। जी चलिए ठीक है डॉक्टर रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो लगातार भारत में भी बना हुआ है, हालांकि भारत में अभी ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी ओमिक्रॉन को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है, पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है और इसीलिए गाइडलाइंस लगातार बार बार जारी की जा रही है, लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि लगातार WHO की तरफ से भी तमाम जानकारियां ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दी जा रही है और WHO ने भी कहा है कि सभी से दोनों वैक्सीन डोज लेने की अपील WHO की तरफ से की गई है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि WHO ने क्या कुछ कहा है। तो बहुत ज्यादा जोखिम भरा है ये नया वेरियंट ओमिक्रॉन, ऐसे में WHO की तरफ से ये कहा गया है कि बहुत ज्यादा जोखिम भरा है नया वेरियंट, कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों को ज्यादा खतरा है, यानी कि जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है वो ज्यादा सावधान इस बार रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोबारा कोरोना नहीं हो सकता, साथ ही कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले ज्यादा एहतियात बरतें, यानी कि ये सभी बातें देखिए WHO ने कहा है, क्योंकि सावधान रहने की बहुत जरूरत है, वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेना बहुत जरूरी है, यानी कि बहुत सारे लोग अभी भी वैक्सीन लेने से बच रहे हैं और लोगों ने डोज नहीं ली है उनके लिए ये कहा गया है कि जरूरी है। ऊपर से आपको बता दें कि WHO ने कहा है कि 60 साल से ऊपर उम्र वाले ट्रैवल ना करें, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें यात्रा नहीं करनी है और यात्रा पर प्रतिबंध नहीं रोक पाएगा नया वेरियंट, तो यात्रा पर प्रतिबंध नहीं रोक पाएगा वेरिएंट, ये भी WHO की तरफ से कहा गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ओमिक्रॉन के बीच अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है और वो गाइडलाइन भी चल गया, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है।
तो ओमिक्रॉन पर जारी नई गाइडलाइंस हैं, उनमें कहा गया है कि दुगना किराया हो चुका है। दिल्ली से लंदन जाने वाली फ्लाइट का टिकट का रेट लगभग 60,000 से 1.5 लाख रुपए हो चुका है। वहीं दिल्ली से दुबई का हवाई किराया 33,000 रुपए हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि अब किराया जो है ओमिक्रॉन की वजह से और ज्यादा बढ़ गया है, और दिल्ली से अमेरिका का राउंड ट्रिप जो है वो लगभग 1.5 लाख रुपए तक का हो चुका है, यानी कि अब दुगना किराया हो चुका है। ऐसे में दिल्ली से जो लोग टोरंटो का हवाई सफर करना चाहते हैं उनके लिए किराया भी बढ़ गया है, 80,000 से लगभग 2,37,000 रुपए हो चुका है। तो ऐसे में आपको बता दें कि लगातार लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, और ऐसे में आरटीपीसीआर कराना भी अनिवार्य होगा, ये जानकारी भी दी जा रही है। लगातार गाइडलाइंस जारी की गई हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आरटीपीसीआर पर जो गाइडलाइंस है वो क्या है। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्टिंग अनिवार्य हुई है, ये कहा गया है गाइडलाइन में। साथ ही वेरियंट प्रभावित देशों से आने वाले लोगों की जाँच पूरी होने पर ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी, यानी कि जांच कराए बिना वो एयरपोर्ट से बाहर लोग नहीं जा सकते। साथ ही बाहरी देशों से आए लोगों को एयरपोर्ट पर 6 घंटे तक का इंतजार करना भी पड़ सकता है। ये आरटीपीसीआर जो अनिवार्य करा गया है उसकी गाइडलाइंस है। तो ऐसे में लगातार भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है, पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि कोरोना की पहली लहर और कोरोना की दूसरी लहर में जो भारत में तबाही मची थी, अब फिर से वो दोबारा से ना हो, इसीलिए पहले से ही एहतियात पूरी तरह से बरते जा रहे हैं।